நீயில்லாத நாளல்ல நாளாகுமா, நீயில்லாத வாழ்வல்ல வாழ்வாகுமா. ஹாய் தும் व्यवस्थापकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया. तुम भी प्रभु को नहीं ग्रहण करते, ग्रहण करने वालों के लिए भी तुम रुकावट का कारण बने हो. ऐसा इसकी जीवन ऐसा है जो औरों को परमेश्वर के राज्य में नहीं आने देता, ये खुद भी प्रवेश नहीं करता है. इस प्रकार हाय हाय बोल के इस कपटियों के प्रति परमेश्वर कहने के बाद और वेदना का साथ कह के आंसू बहा के उसने रोया. और हम आगे बढ़ेंगे लूका 19वां अध्याय 41वां वचन. जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है. यीशु वहां पर रोया. इन कपटियों को और परिसियों को जो लोहों के सामने दिखावटी जीवन जीवते हैं उनको देखकर आखिर में आंसू बहाकर रोया. हाय हाय बोल के जिसने चेतावनी दी थी, जिसने मन नहीं पिराया, जिसने अपने मन को कठोर कर दिया, ये देश नाश हो जाएगा, सारे यहूदियों नाश हो जाएंगे, इस देश में रहने वाले सब हवारे हो के इधर उधर घूमेंगे, ये सारी बातों को देख के परमेश्वर ने रोया. आज मेरे प्रियो, आज भी कलिशिया को उसी नजरिया से देखता है. आज भी इन दिनों की कलिशिया में बाहर कड़ा होके कटकड़ा के परमेश्वर आज कड़ा है. बहुत ही कलिसिया का बाहर यीशु कड़ा है, दुख के साथ, बहुत ही वेदना के साथ है. साधारण रूप से नहीं लेना है. आज कलिसिया की सारी बातें बदल गई, उसके देख के यीशु रो रहा है. कपटियों की जीवन से जो सही प्रचार नहीं करता, गलत जो प्रचार करता है, इसलिए कलिसिया के लिए प्रार्थना करना है, अपने आप में पवित्र रखने के लिए हमेशा कोशिश करना है. जो मनमानी प्रचार करते हैं उनके लिए कभी भी ध्यान नहीं देना है. परमेश्वर के वचन में जो विरोध बोलते हैं उनके पक्ष में कभी नहीं जाना चाहिए. यीशु ने कहा अंतिम दिनों में वचन से लोग दूर हो जाएंगे, वचन का विरोध प्रचार करेंगे. आत्मा और सच्चाई से प्रभु से आराधना करना, वचन से दूर नहीं होना, विश्वासघात के लिए जगह नहीं देना है, वचन पर विश्वास रखना है. खुदा यीशु जल्दी आने वाला है. आमीन.